नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के परिवार में लगातार मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। हाल ही में महेश बाबू की मां का निधन हो गया था। लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो अब महेश बाबू के पिता कृष्णा की हालत भी गंभीर है और उन्हें देर रात हैदराबाद के कॉन्टिनेंटल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें सांस की तकलीफ के चलते तुरंत अस्पताल ले जाया गया। महेश बाबू के पिता भी टॉलीवुड के फेमस सुपरस्टार रहे हैं। दिग्गज स्टार कृष्णा उर्फ घट्टा मननेगी शिवा रामा कृष्णा मूर्ति के सेहत की खबर सामने आने के बाद से हर कोई चिंता में है। फिलहाल उनका इलाज जारी है और उनकी हालत में सुधार भी देखा जा रहा है। दरअसल कृष्णा उम्र संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है। फिलहाल डॉक्टर्स की एक टीम उनकी देखभाल भी कर रही है। उन्हें एक्टिंग करियर के लिए अपना नाम कृष्णा रखा था। तेलुगु इंडस्ट्री के बड़े सितारे कृष्णा को फैंस सुपरस्टार कृष्णा कहकर बुलाते हैं। कृष्णा एक सफल एक्टर होने के साथ ही निर्माता और निर्देशक भी रहे हैं। उन्हें 2009 में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था। उनके पास आंध्र विश्वविद्यालय से डायरेक्टरेट की उपाधि भी है। इसके साथ ही उन्हें सिनेमा स्कोप 35mm और काउ बॉय जैसे फिल्मों को तेलुगु सिनेमा में पेश करने की उपलब्धि भी हासिल है। महेश बाबू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। खास तौर पर उनके लिए ये साल बेहद दुखद साबित हो रहा है। महेश बाबू ने 28 सितंबर को अपनी मां इंदिरा देवी को खो दिया था। वहां इसी साल 8 जनवरी 2022 को उनके भाई रमेश बाबू का भी लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। फैंस लगातार कृष्णा के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।